अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप साहब? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखा रही हूँ और उसके साथ मैं बहुत ही अच्छी मजेदार सॉस बनाना सॉस विद चीज बनाना सिखा रही हूँ। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पोटैटो जो है पील कर लिए हुए हैं, तो इनको मैं अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ। जो बड़े हैं उनको 300 में इस तरह काट लेंगे, जो छोटे हैं उनको डबल। तो इस तरह के मोटे मोटे काटने हैं, बहुत बारीक नहीं काटने जी। पानी मैंने बॉईल करने रख दिया हुआ है। इनको काटने के बाद हम थोड़ी देर के लिए पानी में रखेंगे ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए पानी में। तकरीबन 7 मिनट के लिए मैं इनको पानी में छोड़ूंगी। ये मैंने पानी में डाल दिए हुए हैं और इनका ये स्टार्च निकलना शुरू हो गया। अब ये 7 मिनट पानी में रहेंगे, उसके बाद पानी हम इनका ड्रेन कर लेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और मैं ये पानी अब इनका स्ट्रेन करने लगी हूँ। इसके बाद मैं ये बॉयल पानी में इनको डाल दूंगी। 3 मिनट के लिए ये पानी में मैं डाल दूंगी। इसके 3 मिनट हो चुके हैं, ये मैं पानी अब इसका स्ट्रेन करने वाली हूँ। ये मैं इसको फैलाने लगी हूँ, इस तरह इनका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद इनको फ्राई करती हूँ। और फ्राइज के लिए मैंने पैन रख दिया हुआ है, तो इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें फ्राइज डालूंगी। ये मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इन पे डस्ट कर रही हूँ। और इनको से मिक्स कर देंगे। ये देखें इस तरह ये इतने ड्राई हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, ये मैं ऑयल में ऐड करने लगी हूँ। ये जब हल्के फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद फिर रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर दोबारा इनको फ्राई करेंगे। तो अब मैं इनकी सॉस बनाती हूँ। ये मैं फ्राइज की सॉस बनाने लगी हूँ, तो उसके ये इंग्रेडिएंट है। ये नमक है 1/2 टीस्पून है, और ये लाल मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये मक्खन है ये 3 चम्मच है, और ये चीज़ है। ये अपने हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हो। ये मेरे पास 1 ग्लास दूध है और ये 2 चम्मच मैदा है। तो अब मैं शुरू करती हूँ ये बनानी। सबसे पहले इसमें बटर ऐड करेंगे। ये बटर पिघल गया हुआ है, तो अब इसमें हम मैदा डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बीच में कोई गुठली ना बन जाए। ये मैदा मिक्स हो गया, अब मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी।
उसके बाद ये स्पाइस है नमक और लाल मिर्च ये मैं ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें ये दूध का एक गिलास है ये मैं मिक्स करूँ। अब इसको मैं पकाऊंगी, ये जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चीज़ शामिल कर दूंगी। ये सॉस थिक हो गई तो अब मैं इसमें चीज़ ऐड करने लगी। आप कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ये सॉस तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ्राइज भी अब रेडी हो चुके हैं, मैं इनको निकालती हूँ और इन्हें मैं रखती हूँ, इनमें से 5 मिनट के लिए रखती हूँ और फिर मैं दोबारा इनको फ्राई करती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, ये मैं अब दोबारा इनको डालने लगी हूँ। ये तैयार हो चुके हैं फ्राइज, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बने हैं और इतने खस्ता बने हुए हैं और ये इतनी ज़बरदस्त सॉस बनी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अपने घरों में बहुत मज़ेदार बनती है, ये सॉस बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये मेरे एक व्यूवर्स ने फरमाइश की थी और उनकी फरमाइश पे मैंने ये बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।